गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जो रेडिएशंस होती हैं, उन रेडिएशंस को उनका बिहेवियर जो है दो तरह का होता है। दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस समटाइम्स दे बिहेव एज अ वेव, समटाइम्स दे बिहेव एज अ पार्टिकल। तो उनकी वेव कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड ढेर सारे बेसिक टर्म्स हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि वेवलेंथ क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दोज वेव्स। सो ये कॉमन टर्म्स हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि ये जो वेव नेचर ऑफ रेडिएशन होता है उससे कौन सी फिनोमिना समझाई जाती है। एक्चुअली में इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, रिफ्रैक्शन, दीज ऑल प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ द रेडिएशन। और ये आपके क्लास 11th के फिजिक्स चैप्टर में है, ठीक है। तो वहां वो ऑप्टिक्स में आप वो चीज पढ़ लेंगे। और ये चीज इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन ये ज्यादा डिटेल्ड वे में हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है, इसलिए ज्यादा डीप में हम उसको नहीं जाएंगे। लेकिन आपके सिलेबस में पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन जरूर है, ठीक है। आपको प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समटाइम्स दे बिहेव एज अ वेव, समटाइम्स दे बिहेव एज अ पार्टिकल। सो वेव नेचर की वजह से रेडिएशन की जो फेनोमिना होती है, फेमस फेनोमिना होती है, वो होती है डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस। वो सब आप क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे ड्यू टू द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन व्हाट फिनोमिना और व्हाट एबनॉर्मल थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ये सारा कुछ बताने से पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को समझा कैसे जाए, ठीक है। बस आपको एक छोटे में एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे मूवीज में, चाहे हॉलीवुड मूवीज हो चाहे बॉलीवुड मूवीज हो, नहीं होता है मशीन गन एक ऐसी बंदूक होती है जिसमें से जो बुलेट्स होती हैं नॉन स्टॉप मूव करती जाती है, करेक्ट। वैसे ही जो है जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन भी एक पार्टिकल फॉर्म में मूव करती रहती है नॉन स्टॉप, बहुत तेज। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनका पार्टिकल नेचर जब कहा जा रहा है, मतलब द रेडिएशन आर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, एट अ वेरी हाई स्पीड, दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। बात समझ में? ये आप कॉन्सेप्ट रखिएगा, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन जब भी कहा जाए तुरंत अपने सामने मशीन गन वाला कॉन्सेप्ट रख लीजिएगा कि जैसे मशीन गन अपना बुलेट्स बहुत फास्ट मूव कराता है, अ स्ट्रीम ऑफ बुलेट पासेस फ्रॉम अ मशीन गन, इन द सेम वे इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूव्स, ठीक है, एट अ वेरी हाई स्पीड। और ऐसे पार्टिकल को कहा जाता है फोटोन, ठीक है। फोटोन इज नथिंग अ टाइप ऑफ बुलेट, अ टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इट इज अ बंडल ऑफ एनर्जी, ओके। और इसके और भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक बात मुझे आप ये बताइए कि किसी भी मोबाइल में अगर एडवांस फीचर तब इंट्रोड्यूस किया जाता है जब उसका जो ओल्ड फीचर होता है इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, हैंग कर रहा है, या इट इज नॉट बीइंग अपडेटेड, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तभी जाके कुछ एडवांस फीचर ऐड होता है, करेक्ट। वैसे ही ये जो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों आया, ठीक है, क्योंकि 19th century में जो न्यूटन थे उनका क्लासिकल मैकेनिक्स का खूब बोलबाला था, क्लासिकल मैकेनिक्स के भगवान आइजैक न्यूटन, उनकी बातों को एक भगवान के शब्द मान करके लोग मानते थे और उसको फॉलो करते थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था उस समय क्लासिकल मैकेनिक्स के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से कि सर आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई एक आयरन रॉड है, वो आयरन रॉड को आप हीट कर रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा, ठीक है, अगर आप और हीट करेंगे तो
वो साइंटिस्ट ने कहा कि और लाल हो जाएगा, और अगर उसकी उसका उसको हीट करते रहें, हीट करते रहें, उसका टेम्परेचर बढ़ाते रहें, तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दैट रॉड? तो वो साइंटिस्ट ने कहा वो लाल होता जाएगा, द इंटेंसिटी ऑफ द कलर विल इंक्रीज। ये उनका अजम्पशन था, लेकिन जब प्रैक्टिकली किया गया तो ऐसा नहीं था। आज आप जानते हैं, अगर आपने कभी भी किसी ब्लैकस्मिथ को ये आयरन का रॉड या आयरन की कोई भी आर्टिकल को हीट करते हुए देखा होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि आयरन जब पहले गर्म होता है तो लाल होता है, थोड़ा और हीट होता है तो वो ऑरेंज टाइप में होता है, और हीट होगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इट बिकम्स येलो, और ज्यादा हीट होते होते वो बिल्कुल व्हाइट ही हो जाता है। बात समझ आ गई? अगर क्लासिकल मैकेनिक्स 100% सही होती तो उनका जो अजम्पशन था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हीटेड आयरन का इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर विल इंक्रीज, ओनली इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर विल इंक्रीज, बट एक्चुअली द होल कलर इज चेंजिंग फ्रॉम रेड टू ऑरेंज, ऑरेंज टू येलो, येलो टू टोटल व्हाइट। व्हाई दिस कलर चेंज इज हैपनिंग, क्लासिकल मैकेनिक्स वॉज अनेबल टू गिव द प्रॉपर रिप्लाई एंड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। ये पहली कमी थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, जिसकी वजह से हमें और एडवांस में पढ़ने की जरूरत समझ आई। और एक कॉन्सेप्ट था, और एक और कॉन्सेप्ट था, वो था हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स सामने आई, जिसको मैक्स प्लैंक ने बड़े अच्छे से समझाया था। मैक्स प्लैंक ने ये कहा था कि किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि C इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। C माने वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज द वेवलेंथ एंड दिस व्हाट फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी अगर मुझे पता करना है, सो व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी विल बी योर C अपॉन लैम्डा। और आप देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करेक्ट। अब मुझे ये बताइए बच्चों, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और इसको इज इक्वल टू बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इसी कांस्टेंट को कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, हुज वैल्यू इज 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। दोस्तों मुझे ये बताइए, जो डिफरेंट कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, व्हाट एवर कलर्स आर देयर, दे हैव अ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, करेक्ट, दे हैव अ प्रॉपर वेवलेंथ, करेक्ट। तो होता क्या है, आपने एक रेंज नोटिस किया होगा, दैट इज नोन एज विज्योर, दैट वेवलेंथ। देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दैट इज नोन एज व्हाट, विज्योर। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वायलेट वर्क, वायलेट वाली की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसको कहते हैं हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी। और इसका क्या होता है, लोवेस्ट एनर्जी। मुझे ये बताइए कि जिस रेडिएशन की एनर्जी सबसे कम होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। वो हम आपको प्रूफ करते हैं, बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिसकी एनर्जी, रेड को लेकर चलिए पहले, रेड कलर की एनर्जी सबसे कम है, अगर इसकी एनर्जी सबसे कम है रेड कलर की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सबसे कम होगी। और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, मतलब कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। यही कारण है, यही रीजन है कि जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं, जहां कहीं भी डेंजर हो, तो उसको उसके सिग्नल के लिए हम लोग रेड कलर की लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत हाई होती है, ज्यादा होती है, दूर से ही लोगों को दिख जाएगी। बात समझ आ गई? और इसके जस्ट रिवर्स में होता है वायलेट कलर, वायलेट कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो वायलेट कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है,
और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। बात समझ में आ गई? तो वही रीजन था कि सबसे पहले अगर हमने हीट किया किसको, आयरन रॉड को, तो पहले वो रेड हुआ क्योंकि उसका टेम्परेचर अभी थोड़ा कम था, इसलिए पहले वो रेड कलर को एक्वायर किया। उसको और हीट करते गए करते गए करते गए तो फिर क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। और आपने उसको हीट किया तो उसकी एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो फिर क्या हो गया, येलो हो गया। और ज्यादा हीट किया तो पूरा का पूरा सातों कलर मिला के व्हाइट कलर आपको दिखा। बात समझ आई? तो ये चीज जो कलर चेंज हो रहा है, द क्वांटम थ्योरी गिवन बाय प्लैंक सक्सेसफुली गिवन द रिप्लाई कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, इसीलिए जब आयरन रॉड को जब हीट किया जाता है तो पहले वो रेड होता है क्योंकि वहां पर एनर्जी कम होती है। अब हीट करते गए करते गए करते गए तो एनर्जी बढ़ती गई, एनर्जी बढ़ती गई तो क्या हुआ, कलर भी ऊपर की तरफ होता गया। बात समझ आ गई? तो ये रहा मैक्स क्वांटम थ्योरी का एक पार्ट। दूसरा पार्ट मैक्स प्लैंक ने ये कहा था कि जो रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, इट इज डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। जैसे मशीन गन से बुलेट्स मूव करती हैं और मूव करती हैं, एक पहले एक बुलेट गई फिर उसके बाद कुछ मतलब हाफ सेकंड या 0.1 सेकंड बाद दूसरी बुलेट गई, फिर 0.1 सेकंड बाद तीसरी बुलेट गई, ऐसे करके बुलेट क्या होती है, निकलती जाती है, शूट होती जाती है। और वैसे ही क्या होता है, रेडिएशंस के फोटोन भी वैसे मूव करते हैं, पहले एक फोटोन मूव किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया, ऐसे फोटोन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में वो मूव करते रहते हैं। ये दूसरा पार्ट था मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। और तीसरा पार्ट ये था कि कोई भी एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है, इट ऑलवेज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। यानी जो फोटोन, जैसे कि इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी वाज कि कोई भी बॉडी अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी एमिट करता है, इट ऑलवेज डू इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। बात समझ आ गई? जैसे आपके बर्थडे में या तो 5 लोग आएंगे या तो 6 लोग आएंगे या तो 7 लोग आएंगे, अ प्रॉपर होल नंबर पीपल विल कम, दे विल नॉट कम 5.5 6.5 ऐसे लोग नहीं आएंगे, डेसिमल में लोग नहीं आएंगे बच्चों, एक प्रॉपर होल नंबर के रूप में आएंगे। वैसे ही कोई भी बॉडी अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, सो इट विल अब्सॉर्ब 2hν, 3hν, 4hν, सम होल नंबर hν, ठीक है। तो दिस वॉज द थर्ड पार्ट ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, देन यू विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ दिस क्वांटम थ्योरी। आइए तो एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3×10^15 पर सेकेंड एंड एच इज गिवेन 6.63×10^-34 जूल सेकेंड। अब आपको एनर्जी पता करना है तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। एच की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, और उसकी वैल्यू दे दिया है, और न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू भी आपकी दे दी है। नाउ सिंपल मल्टीप्लीकेशन, इफ यू मल्टीप्लाई हियर 6×3 = 18, इट इज 6.63, सो आंसर विल बी अराउंड 19, और उसके बाद डेसिमल का यहां पे मेकअप हो गया, एंड द फाइनल आंसर यू गॉट 1.99×10^-18 जौल, ठीक है। तो दिस वॉज द मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन के ही थ्रू ब्लैक बॉडी रेडिएशन का भी एक कॉन्सेप्ट समझाया गया था, ठीक है, और इसी के थ्रू जो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समझाया गया था। तो ये सारी चीजें जो है, दीज आर ऑल्सो वेरी क्लोजली रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ साथ चीजों को पढ़ते चलिए, अगर क्वेश्चन उस पर बेस्ड है तो क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलिए। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, स्टडी वेल।